हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? माइक है दूसरा माइक? देखता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों को? यस सर। चलो ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। बैटरी की बात हो रही थी, थोड़ी बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी और माइक में। बोलो के मटेरियल के अंदर आ गया, डिस्कस नहीं किया उसे। ठीक है, तो देखो इसमें अब कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी, कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी आपके, अगर आप कहें कि सिलेबस में है, नहीं सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़नी है, आप यहाँ लिख लो मेरी तरफ से कि आप नहीं पढ़ना चाहते से मत पढ़ें, ये नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी पे कुछ नहीं आएगा, पर लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ इंक्लूड किया। बैटरी काम करती कैसे है, एक हल्का सा प्रिंसिपल, एक मैकेनिज्म इसे समझाने की कोशिश की, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर सपोज करो ये मेरे पास एक बैटरी है, इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और मैं ये मैकेनिज्म ऐसे नहीं समझा रहा कि देखो ये बैटरी है, अब हम इसे तोड़ते हैं, देखो क्या निकला, ये बैटरी है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि सपोज करो बैटरी बनने जा रही है, बैटरी फैक्ट्री में बनाई हमने, अभी अभी बनाई है, बन रही है, रादर बनी नहीं है अभी कंप्लीट, अभी बिकने को नहीं आई है, अभी फैक्ट्री में है। बैटरी में क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, बैटरी में इलेक्ट्रोड्स डाले, कुछ जैसे बड़ी बैटरी में केमिकल भी डलता है, वो पानी में डालते हो आप ताकि रिएक्शन हो, तो उसमें एनर्जी एनर्जी मिलती है, तो बैटरी के अंदर एनर्जी भर दी जाती है, तो बैटरी में हमने एनर्जी भर दी। जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो प्रोसेस को समझते हैं क्या हुआ। तो ये बैटरी तो बन चुकी है, इसकी बात नहीं हो रही, अभी डाला ये इलेक्ट्रोलाइट और अभी दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाला तो बैटरी के अंदर एक इंटरनल फोर्स काम करती है, क्योंकि बैटरी के पास एनर्जी है, तो बैटरी क्या करती है, एक फोर्स डेवलप करती है, वो फोर्स है बैटरी की फोर्स FP, और बैटरी कांस्टेंट फोर्स लगाती है किसी भी चार्ज के ऊपर। जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, तो बैटरी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगाती है कांस्टेंट, मान लो 10 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जितने पॉजिटिव हैं उसको वो फोर्स लगाएगी, 10 10 10 लगाती जा रही है, हटेगी नहीं, 10 10 10 10 लगाती जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यहां पर इकट्ठा करती जाएगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, सिमिलरली यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नहीं, तो बैटरी काम कर रही है और चार्जेस को डिपॉजिट करती जा रही है किसके ऊपर, दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, बाय अप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट फोर्स FP। वो फोर्स कैसे आई उसकी कोई डिस्कशन नहीं हम करेंगे इसमें, ठीक। बस ये समझें कि बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म फोर्स FB डेवलप करता है कांस्टेंट और चार्जेस को पुश करता रहता है, हर वक्त करता ही रहेगा, बैटरी हर वक्त चार्ज को उठा के इलेक्ट्रोड पे पुश करती जा रही है और यहाँ चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, शुरू शुरू में तो ये बैटरी की चल रही थी, बैटरी तो इलेक्ट्रोलाइट की चलेगी, तो उसने पुश किया और प्लस और माइनस डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए। शुरू में प्लस और माइनस कमज़ोर थे, कम डिपॉजिट हुए थे, अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब जैसे ये बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज, बैटरी चाहेगी कि इधर जाए विद अ फोर्स ऑफ 10, ये तो कम करेगी नहीं अपनी फोर्स, पर यहाँ पर अच्छा खासा चार्ज डेवलप हो गया, शुरू में कम था, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कह रहा है कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ नहीं आने दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
और कहाँ लगाऊंगा, इन राइट डायरेक्शन। बैटरी चाहती है कि फोर्स कहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाए, लेफ्ट। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक ये अब जान नहीं दे रहा, लगा तो ये पहले भी रहा था फोर्स, लेकिन पहले फोर्स कमज़ोर थी, बैटरी तो शुरू से 10 लगा रही है, तो ये प्लस इसे पुश कर रहा था बाय द फोर्स ऑफ वन, शुरू में कमज़ोर था ये चार्ज, इसको डिपॉजिट होना पड़ा, फिर और स्ट्रांग हो गया, तो ये फोर्स होगी 2, 3, 4, करते करते एक टाइम पे कितनी हो गई, 10। अब देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, यहाँ पे पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज पे बैटरी चाहती है कि फोर्स कहाँ लगे, इस तरफ 10, और ये प्लेट क्या करती है, उसको फोर्स लगाती है इस तरफ 10, 10 और 10 कैंसल, तो चार्ज जहां पर पड़ा हुआ है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के सारे चार्ज रेस्ट पे आ गए। अब बैटरी पुश तो लगातार कर रही है लेकिन चार्ज मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पुश कर रही है। अब ये बैटरी बिकने को तैयार है, ये वो बैटरी है, तो इसके अंदर जब मार्केट से बैटरी लेके आई, ये इक्विलिब्रियम में है, इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव, इस पर ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका, तो जब ये बनी थी ये सब फोर्सेस काम कर रही थी बनते हुए, अब ये बन गई, कंप्लीट हो गई, तो अब ये इक्विलिब्रियम में है इसके अंदर, इसमें कोई चार्ज की मूवमेंट नहीं है। अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप यहाँ एक बल्ब लगाओगे, कोई माइक लगाओगे, या फैन चलाओगे, या बल्ब कुछ तो चलाओगे, तो आप क्या करोगे, आप एक वायर कनेक्ट करोगे। अब जैसे ही वायर कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा वाह मज़ा आ गया, रास्ता मिल गया भागने का, तो इलेक्ट्रॉन भाग के इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। अब ये चार्ज कमज़ोर हो गया, बैटरी तो लगातार फोर्स लगा रही है 10, अब ये वाली फोर्स कम हो गई क्योंकि एक चार्ज गायब हो गया, इक्विलिब्रियम खराब हो गया, तो बैटरी की चलेगी, बैटरी पुश करके इसको पॉजिटिव चार्ज को फिर यहाँ डिपॉजिट कर देगी और नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ कर देगी। अब फिर इक्विलिब्रियम आ गया, रास्ता अभी भी खुला हुआ है, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चले गए, तो बैटरी फिर पुश करके इलेक्ट्रोड्स के चार्ज को फिर मेंटेन कर देगी, और इस तरीके से यहाँ से इक्विलिब्रियम खराब होता है, बैटरी ठीक कर देती है, खराब होता है ठीक। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, आपके तो देखो करंट आ गया, फैन भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, सब चल रहा है, तो जब तक बैटरी में जान है वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करती रहेगी, और जब बैटरी फेल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, फिर ख़त्म कहानी, फिर कुछ नहीं होगा, बैटरी खराब होगी, फेंक देना, ठीक। इसके आगे नहीं मुझको बैटरी का पता कि वो रिचार्जेबल कैसे होती है, रिचार्जेबल मुझे पता है, हम करेंगे रिचार्जेबल का, रिचार्जेबल का प्रिंसिपल मुझे मालूम है कि कैसे रिचार्जेबल सेल्स आते हैं, वो भी आएगा आपके उसमें, पर यहाँ तक क्लियर है सारा। अब बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, बैटरी सारा दिन काम करी जा रही है, और क्या कर रही है, चार्ज को डिपॉजिट कर रही है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या डेवलप करेगी, पोटेंशियल का डिफरेंस, और उस पोटेंशियल का डिफरेंस की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ई एम एफ ऑफ अ बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि बैटरी का फोर्स का मैकेनिज्म काम करता है, इसलिए इसका नाम फोर्स से रखा गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जब ये बैटरी अब बिकने को आएगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है, क्लेम करते हैं 9 वोल्ट है, और ये 9 वोल्ट ही है, तो इसका मतलब इसकी ई एम एफ कितनी है, 9 वोल्ट है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। अब ये है पार्ट वन, चैप्टर वन मूवी का चैप्टर वन। अब मूवी का चैप्टर टू, ये अब क्लेम करते हैं 9 वोल्ट। जब मैं इसे चलाऊंगा और बल्ब ऑन करूंगा, काश अगर बल्ब बोलता होता और मुझे बताता कि तेरे को कितने वोल्ट मिले, तो कितने वोल्ट मिलेंगे, अगर ये 9 वोल्ट है तो कितने मिलने चाहिए, 9 वोल्ट। जब कनेक्ट करूंगा 9 वोल्ट, बल्ब अगर बोलता तो वो बोलता यार मुझे 9 नहीं मिले, मुझे 8 मिले, 7 मिले, 6 मिले, मुझे 9 नहीं देती ये बैटरी। आपको ये क्या बात बनी, 9 वोल्ट की बैटरी तो कुछ भी कनेक्ट करोगे 9 वोल्ट ही देगी, नहीं देती।
ये अब हम अगली शीट में स्टडी करते हैं, ऐसा क्यों होता है। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो अब अगली कहानी स्टार्ट करते हैं।